बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे अंदाज से गुजार रहे होंगे। आप देख रहे हैं सुभान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़े का और 5 ही मिनट में बनने वाला स्नैक, जिसे आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, नाश्ते में भी खा सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। लेकिन रेसिपी को शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ लगे घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। उससे ये होगा कि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा। यहाँ पर हमने लिया है सबसे पहले एक लेस का पैकेट, आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। और अब हमें इसको हाथों की मदद से प्रेस करके इसका चूरा बना लेना है। पाउडर इसका बिल्कुल भी नहीं बनाना, जस्ट मोटा सा इसका चूरा बना लेना है। ये देखिए इस तरह से, पाउडर फॉर्म में इसको बिल्कुल भी नहीं लेके आना। ये देखिए यहाँ पर हम लेंगे 1 अदद बॉल और उसमें लेंगे 2 अदद अंडे। अंडों को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। जितना ज्यादा अंडों को फेंटेंगे अंडा उतना ज्यादा फूलेगा और उतना ही ज्यादा टेस्टी बनेगा। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये जो चिप्स का हमने चूरा बना के रखा हुआ था, 3 टेबल स्पून यहाँ पर हम इस चिप्स को डालेंगे और यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसको ज्यादा आपने मिक्स नहीं करना और ज्यादा देर तक पड़े भी नहीं रहने देना। देखिए यहाँ पर साथ ही इस मिक्सचर में हम डालेंगे 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर और 2 चुटकी ही हम इसमें नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे और साथ ही हम लेंगे 1 अदद पैन और उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और अब हम इसमें ये मिक्सचर डाल देंगे जो कि हमने तैयार करके रखा हुआ था। इसको अच्छी तरह से फिला देंगे पैन में और यहाँ पर चूल्हे का फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो है। और साथ ही इसके ऊपर हम डाल देंगे ये हमारे पास 1 टेबल स्पून हरा धनिया है और लो फ्लेम पे इसको हम कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। ये देखिए यहाँ पर लो फ्लेम पे इसको कवर किए हुए 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीचे वाली साइड इसकी डन हो चुकी है और अब हम इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, देखिए कितना खूबसूरत सा नीचे कलर आ चुका है। और फिर से 2 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे ताकि नीचे वाली साइड भी कुक हो जाए। ये देखिए यहाँ पर नीचे वाली साइड को भी 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसको भी खोल लेते हैं और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। इसको प्लेट में निकाल के दिखाते हैं कि ये कैसा बना है। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मजेदार सा हमारा स्नैक्स रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और साथ ही हम इसके ऊपर ये लेस को फिला देंगे जो कि हमने बचा के रखी हुई थी। यहाँ पर जो लेस का टेस्ट आएगा वो इतना जबरदस्त और इतना क्रंची होगा कि इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। आप इसको ब्रेड के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, ये हर तरह से बहुत ही ज्यादा मजे का लगने वाला है। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक रखना है आपने अपना ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद रखना है। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, यूं ही आप हमारे साथ साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।